हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एकदम बेकरी स्टाइल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मार्केट वाले प्रीमिक्स और केक जेल का इस्तेमाल करके कपकेक्स की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। आज हम वेंचो फ्लेवर यानी कि वनीला और चॉकलेट के कॉम्बिनेशन वाले ये कपकेक्स बनाएंगे। पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगी कि कितना आपको प्रीमिक्स लेना है, कितना केक जेल, कितना कोको पाउडर। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे जब चाहे इंस्टेंट तरीके से घर में 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। डबल फ्लेवर होने की वजह से इसमें डबल कलर की लेयर आती है, जिससे कि ये देखने में काफ़ी टेम्पटिंग और ब्यूटीफुल लगते हैं, और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए, यूजफुल लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो बेकरी स्टाइल कपकेक्स को बनाने के लिए मैं ट्रोपोलाइट कंपनी का ये दावर्स बेसिक केक प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 kg की पैकिंग का पैकेट है और आपके सामने ही मैं इसे कट करके देखिए ओपन कर रही हूँ। अब हम एक बाउल में लेंगे केक जेल। इस केक जेल का रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले ही दे चुकी हूँ, ये टोटली वेज प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं 1/2 teaspoon ये केक जेल यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर 1/2 cup रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी डालेंगे। पानी आपको अभी ही लेना है, बाद में आप पानी ऐड नहीं कर सकते। तो जितना आप प्रीमिक्स यूज़ करें उस हिसाब से आपको पानी लेना है। आज हम 1 cup प्रीमिक्स यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें 1/2 teaspoon केक जेल लेना होगा और 1/2 cup ही पानी। इलेक्ट्रिक मीटर की मदद से मैंने इसे देखिए 3 मिनट तक अच्छे से व्हिप कर लिया है। अब हम इसके अंदर हमारा ये बेसिक केक प्रीमिक्स डालेंगे। इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, तो हम इसमें फ्लेवर बाद में ही ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें इसे ऐड कर रही हूँ और फिर स्पैचुला से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ अगर हम डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। तो देखिए ये थोड़ा सा अभी मुझे थिक लग रहा है, लेकिन अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 2.5 tablespoons ऑयल। हमने 1.5 cup प्रीमिक्स नहीं लिया है, इसलिए हम 3 बड़े चम्मच ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें 2.5 चम्मच ही ऑयल लेना है। आप चाहे तो मेल्टेड बटर या फिर पिघला हुआ घी भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर 1/4 teaspoon वनीला फ्लेवर ऐड कर रही हूँ और इसे भी डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले तो हम स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे, ताकि इसके अंदर बढ़िया सी एयर आ जाए और हमारे जो कपकेक्स हैं वो काफ़ी अच्छे और स्पॉन्जी बने। तो लगभग 2 मिनट तक मैंने इसे बीट किया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से एयर भर गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। मैं स्पैचुला से इसे फिर से कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो हमारा वनीला फ्लेवर वाला बैटर तो रेडी है, इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और अब बनाते हैं चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर। तो उसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैं 1 cup ये बेसिक प्रीमिक्स ले रही हूँ। क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर वाला होगा तो हम इसमें लगभग 3 tablespoons भर करके कोको पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप घर में बना सकते हैं, उसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर 3 tablespoons भर करके ऑयल डालेंगे और इसे स्पैचुला से पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको पानी डालना है, तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी डाल करके इसका स्मूथ सा बैटर बना लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चॉकलेट बैटर बनाते समय तो केक जेल का इस्तेमाल नहीं किया, वनीला बैटर बनाते समय तो केक जेल यूज़ किया था। वो इसलिए क्योंकि अगर हम चॉकलेट बैटर में केक जेल का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर जो है लाइट हो जाएगा, वो डार्क नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारा चॉकलेट बैटर भी रेडी है। बेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक केक टिन यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर मैं अपने ये 6 सिलिकॉन के मोल्ड्स सेट करूँगी। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और बस इसके अंदर हमें कोई भी ऑयल, कोई भी ग्रीस या बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले अपना वनीला बैटर डालेंगे। तो उसके लिए मैंने ये आइसक्रीम स्कूपर लिया है, जिससे कि सारा बैटर जो है सभी मोल्ड्स में बराबर डिवाइड हो जाए। और 1 tablespoon भर करके मैं स्कूपर में बैटर डालूंगी और फिर इसकी मदद से हर एक मोल्ड में हम बैटर डाल देंगे। ऐसा करने से हमारा काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, कुछ भी मैसी नहीं होगा और सभी मोल्ड्स के अंदर बिल्कुल बराबर बैटर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये आइसक्रीम स्कूपर ना हो तो आप 1 tablespoon से भर करके भी बैटर को हर एक मोल्ड में डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 मोल्ड के अंदर बिल्कुल बराबर का बैटर हमने डाल दिया है। बैटर डालने के बाद हम इसे टैप कर देंगे और फिर हम इसे गार्निश करेंगे कुछ कलरफुल टूटी फ्रूटी से, क्योंकि ये वाला बैटर हमारा अभी वनीला फ्लेवर का इसमें डाला है हमने। तो टूटी फ्रूटी डालने के बाद अब इसके ऊपर जाएगी हमारी चॉकलेट की लेयर। तो मैंने चॉकलेट बैटर को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है
और इसी की मदद से अब हम एक बराबर की लेयर चॉकलेट की लगा देंगे। तो आपको बैटर डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मोल्ड है वो आधे से ज़्यादा ना भरे, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा फिल कर देंगे तो केक को राइज होने की स्पेस नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में हम चॉकलेट बैटर भी इनके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, कहीं पर अगर रह जाता है तो आप दोबारा से वहाँ पर ये बैटर डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने 6 मोल्ड के अंदर बराबर की मात्रा में ये चॉकलेट बैटर भी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर चोको चिप से इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो इस तरीके से नीचे हमारा वनीला फ्लेवर हो जाएगा और ऊपर हमारे ये चॉकलेट फ्लेवर। आप चाहें तो रिवर्स में भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे चॉकलेट और ऊपर वनीला। अब हम इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पर लगभग 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। बीच में आपको बर्तन को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, नहीं तो कपकेक्स राइज होते होते बीच में ही सिंक हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, 20 मिनट के अंदर मेरे कपकेक्स रेडी हैं। ठंडा होने के बाद हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। अच्छे से मैंने देखिए इन्हें ठंडा कर लिया है और अब हम धीरे धीरे इस सिलिकॉन मोल्ड को इसकी साइड से छुड़ा लेंगे। हमने सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर कोई भी ऑयल, कोई भी ग्रीसिंग नहीं की थी। ये देखिए कितना शानदार हमारा डबल फ्लेवर, डबल कलर की लेयर वाला ये कपकेक रेडी हुआ है। देखिए, देखने में भी कितना टेम्पटिंग है फ्रेंड्स, और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसी तरीके से हम बाकी सारे कपकेक्स को डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये भी कितना सुंदर बना है। और ऐसे ही मैं सभी को डीमोल्ड कर लेती हूँ। और इस तरीके से लगभग एक बार और आप ये 6 कपकेक्स बना सकते हैं। मैंने जो मेज़रमेंट बताया है आपको, उसमें लगभग आपको 12 कपकेक्स मिल जाएंगे। तो पहले मैंने 6 बनाए थे और बाकी दोबारा से 6 बना लिए। अगर आपको ज़्यादा बनाने हो तो आप उस हिसाब से अपना बैटर ले लीजिएगा। इसे भी हम बेक कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 12 के 12 अपने डबल फ्लेवर, डबल कलर की लेयर वाले ये वेंचो कपकेक्स बना लिए हैं। आप चाहें तो सिंगल फ्लेवर वाले भी कपकेक्स बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। लेकिन आप एक बार ये वेंचो फ्लेवर वाले कपकेक्स जरूर ट्राई कीजिएगा। देखने और खाने में ये दोनों में ही बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो अभी मैं आपको इन्हें कट करके इसके अंदर की भी लेयर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इसे बीच में से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम की टॉपिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारे डबल फ्लेवर और डबल कलर की लेयर वाले ये वेंचो कपकेक्स। ये देखिए, दबाने से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये लग रहे हैं। बिल्कुल मार्केट के केक जैसा इसके अंदर जाला पड़ा है। तो आई होप ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे जरूर ट्राई करेंगे, अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो कैसा लगा, रेसिपी पसंद आई हो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। पसंद आया हो तो तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साइड में दिया गया बेल आइकन दबाइएगा। तो फिर मिलूंगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।